एम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का गांधी पार्क चौराहे पर प्रदर्शन। कहा, मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ धोखा और विश्वासघात और छल किया। बोले, इस लूट से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में गांधी पार्क चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया, आज जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद गांधी पार्क चौराहे पर गैस और तेल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा, मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ धोखा और विश्वासघात और छल किया है। देखिए, आपको मालूम ही है जिस प्रकार से केंद्र की जो जन विरोधी सरकार है उसने जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम, एलपीजी गैस और पीएनजी के दाम बढ़ा रखी है, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे देश में हर जनपद में एक जो कांग्रेस पार्टी है वो इस चीज़ का, इस महंगाई का विरोध कर रही है। आपने देखा, 137 दिन तक जिस प्रकार से इस सरकार ने इसके दाम जो थे वो स्थिर करके रखे, क्योंकि उनको जनता का वोट चाहिए था और वोट जैसे ही मिल गया उनको तो उन्होंने जनता को फिर से छोड़ देना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी उनकी जन विरोधी नीतियों का पुरजोर तरीके से निंदा करती है, भ्रष्टा करती है, विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए पार्टी है, जनता से है, जनहित के कार्यों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी और उसका कार्यकर्ता अग्रणी रहता। आज जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद की तरफ से ये धरना और प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी की कमर टूटती जा रही है और पूंजीपति जो है वो और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और जनता जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, परेशान है। सिर्फ जनता के आगे एक ही विकल्प बचता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान तो परेशान है, जवान तो परेशान है, नौजवान तो परेशान है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस सरकार में हर एग्जाम जो है उसका पेपर लीक होता है और ये सरकार कहती है हमारे यहाँ पर हम गुड गवर्नेंस की सरकार है, हमारा शासन बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो वाकई कम है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार, और आने वाले समय में सरकार 2024 में इसको जनता यहाँ से हटाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने तकरीबन 26,000 लाख करोड़ रुपया इस पेट्रोल डीजल को कीमतों में बढ़ोतरी करके कमाया है। इसका क्या हिसाब है, ये कहाँ खर्च किया है, इसका हिसाब जनता जानना चाहती है। और जनता से जिस प्रकार से जोंक की तरह उसको चूस रहे हैं, उसके खून को चूस रहे हैं, वाकई ये सब देख रही है और आने वाले समय में इसको उखाड़ कर फेंकेगी। धन्यवाद। अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो, कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में?
अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और, ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना। थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो